न्याय उसको मिले कैसे, न्याय उसको मिले कैसे? सारे देश के जो न्यायालय हैं, चाहे वो हाई कोर्ट है और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, सरकार बताने का काम करे कि जो वीकर सेक्शन के लोग, खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, कितने लोग हैं उसमें, कितनी संख्या है उनकी? आप ताज्जुब मानेंगे कि हिंदुस्तान के संविधान में हिंदुस्तान का विशेष अवसर दलित को, आपके ट्राइबल को मिला? सुप्रीम कोर्ट की जो सारे के सारे कर्मचारी सारे के सारे देश में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो वहां सर्विस में लोग आते हैं जिनको लिया जाता है, उनमें एक में रिजर्वेशन नहीं, एक में आरक्षण नहीं। जो सदियों से लोग पिछड़े दबे कुचले लोग हैं उनको सुप्रीम कोर्ट जो न्याय देता है, न्याय करता है, वो न्याय की संस्था जो है वो अपने यहां न्याय करता संविधान के साथ। एक दिन भी सदन में है, एक बार नहीं कई बार यहां के लोगों ने सवाल को उठाने का काम किया, एक दिन भी सरकार इसकी तरफ सचेत नहीं होती। क्यों नहीं कहती सुप्रीम कोर्ट से? ये संविधान के दायरे के बाहर सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाईकोर्ट नहीं है, क्यों वहां रिजर्वेशन को उन्होंने नहीं करके रखा है? जब वो रिजर्वेशन वहां नहीं देते, इसलिए रिजर्वेशन के खिलाफ कई बार हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था के बारे में कुछ लोग तो जानते ही नहीं है और कुछ लोग अपने जन्म के साथ जुड़े रहते हैं। ये जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, ये हिंदुस्तान की एक चौथाई आबादी है। ये चौथाई आबादी के बारे में जो लोग वहां बैठे हुए हैं वो अपने नीचे अपने यहां जो भर्ती करते हैं उसमें न्याय नहीं करते हैं, तो वो इसका जो भी सवाल जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में हमेशा जो दलितों के और आदिवासियों के हक मिले उनको गिराने का, उनको खत्म करने का लगन निरंतर प्रयास करता है।